हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो अभी तक हम लोग 18 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं इससे संबंधित। 18वां चैप्टर था आपका शिक्षा के आयाम। ठीक है, याद रखिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके जितने भी टॉपिक ख़त्म होते जा रहे हैं वो सभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें बात करते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विधायिका, विधायिका के बारे में। मध्य प्रदेश में एक सदनात्मक विधायिका है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक सदनात्मक विधायिका है। मध्य प्रदेश में विधानसभा भवन का नया नाम इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है। मध्य प्रदेश के सभा भवन का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, जिसके वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। कौन है? चार्ल्स कोरिया। इसके पूर्व विधानसभा आपकी मेंटो हॉल में लगती थी। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य गठन के साथ ही हुआ था। याद रखना है, मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। नए मध्य प्रदेश की इस विधानसभा का पहला सत्र 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1997 की अवधि में संपन्न हुआ था। आगे बात करते हैं। साधारणतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है, लेकिन चतुर्थ विधानसभा में श्री गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में श्रीमती विजया राजे सिंधिया सदन की नेता रहीं। याद रखना है, साधारणतः तो मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है, लेकिन चतुर्थ विधानसभा में श्री गोविंद सिंह नारायण सिंह के कार्यकाल में श्रीमती आपकी विजया राजे सिंधिया सदन की नेता रही थी। ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 320 प्लस एक थी अविभाजित, जब तक आपका छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के गठन के बाद 230 प्लस एक रह गई, जिनमें से एक सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित होता है और 230 आपके निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं। ठीक है, याद रखना है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 स्थान हैं, मतलब 29 सीटें हैं, जिनमें से 6 स्थान अनुसूचित जनजाति और 4 स्थान अनुसूचित जाति के लिए हैं। याद रखना है आपको क्या कि 200 अभी वर्तमान में 2020 तक बता रहा हूँ, आगे बदल जाए क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 220 तक 230 सीटें हैं विधानसभा में प्लस एक, वो राज्यपाल मनोनीत करता है लेकिन 230 हैं वो मनोनीत, डायरेक्ट जनता चुनती है। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं एमपी में? 29, राज्यसभा की 11। मध्य प्रदेश में लोकसभा के कुल 29 स्थानों में से 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुरैना दतिया उज्जैन विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए 2-2 स्थान आरक्षित हैं, जो प्रदेश में सर्वाधिक हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ बड़वानी डिंडोरी अनूपपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। याद रखना है, मध्य प्रदेश के झाबुआ बड़वानी डिंडोरी तथा अनूपपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, विधानसभा के पहले आपके अध्यक्ष थे कुंजीलाल दुबे। विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे मध्य प्रदेश के? कुंजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे आपके विष्णु विनायक सरवटी। ठीक है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं विधानसभा अध्यक्षों के बारे में। ठीक है, कई बार पूछ लेता है, अभी 2019 वाले एमपीपीएससी में पूछ लिया था। ठीक, तो पहले थे आपके कुंजीलाल दुबे। कौन? कुंजीलाल दुबे। ये 1956 से 1967 तक रहे। श्री काशी प्रसाद पांडे, आपके ये 1967 से 1972 तक रहे। श्री तेजलाल टेबरे, ये 72 से 72 तक रहे, मतलब 25/3/72 से 15/8/72 तक। श्री गुलशेर अहमद, ये आपके 72 से 77 तक रहे। श्री मुकुंद नेवालकर,
ये 77 से 80 तक, यज्ञदत्त शर्मा ये आपकी 80 से 83, श्री रामकिशोर शुक्ला ये 84 से 85 तक रहे, श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ये आपकी 85 से 90 तक, प्रोफेसर बिजमोहन मिश्र ये आपके 90 से 93, श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी ये 1993 से 2003 तक रहे, श्री ईश्वरदास रूहानी ये 2003 से 2013 तक, और श्री सीता शरण शर्मा 2014 से 2018 तक रहे, ठीक है। और याद रखना 2018 में आपके कौन बने विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष बने आपके नर्मदा प्रसाद प्रजापति, याद रखिए 2018 में जो चुनाव हुए थे कांग्रेस की सरकार बनी उसके 15वीं विधानसभा थी वो, उसके अध्यक्ष हैं श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, और उपाध्यक्ष हैं हीना कावरे, हीना कावरे, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं कार्यपालिका, मध्य प्रदेश की कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद 1956 को मध्य प्रदेश की पहली मंत्रिपरिषद बनी, विदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव पंडित रविशंकर शुक्ल को मिला जो 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, यानी कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल व शिवराज सिंह चौहान सर्वाधिक 3-3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, सबसे कम समय तक आपके राजा नरेश चंद सिंह मात्र 13 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, याद रखना है। मध्य प्रदेश की 12वीं विधानसभा का गठन 2003 में हुआ था, मध्य प्रदेश की 12वीं विधानसभा का गठन 2003 में हुआ, इसकी मुख्यमंत्री थी श्री सुश्री उमा भारती जी, तो याद रखना जो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ उमा भारती जी को, ठीक है। मध्य प्रदेश अभी तक 3 अवसर पर राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा है, 1977, 80 और 92, 1977 में, फिर 80 में, फिर 92 में, याद रखना है 3 टाइम यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल, मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल, देखिए भाई मैं तो सलाह यही दूंगा कि ट्रिक कभी यूज मत करिए, फिर जिसे करना है वो कर सकता है, क्योंकि अगर वन डे एग्जाम दे रहे हो आप तो रट के निकाल सकते हो आप ट्रिक बना के, लेकिन अगर आप PSC के लिए बैठ रहे हो कोई अच्छी बड़ी तैयारी के लिए तो उसमें आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और फिलहाल अपने MP, अगर आप अगर MP के निवासी हो तो आपको इतना तो जानकारी होना भी चाहिए ना, नाम है आप कार्यकाल है मुख्यमंत्रियों के, रविशंकर शुक्ल ये रहे 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक, फिर भगवंत राव मंडलोई ये आपके 1 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957 तक, फिर हैं कैलाश नाथ काठजू ये आपके 31 जनवरी 1957 से 14 मार्च 1957 तक, और 14 मार्च 1957 से 11 मार्च 1962 तक रहे, ठीक है। फिर आए भगवंत राव मंडलोई ये आपके 62 से 63 में रहे, द्वारका प्रसाद मिश्र आपके 63 से 67 तक, गोविंद नारायण सिंह ये आपके 67 से 69, राजा नरेश चंद ये आपकी याद रखिए 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक, सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहा। श्यामाचरण शुक्ल 69 से 72 तक, विकास चंद सेट्टी 29 जनवरी 1972 से 22 मार्च 1972 तक, फिर 23 मार्च 1972 से 22 दिसंबर 1975 तक है श्यामाचरण शुक्ल, ये 75 से 77 तक, फिर आपका राष्ट्रपति शासन लगा, क्या लगा राष्ट्रपति शासन लगा, इधर राष्ट्रपति शासन लगा 30 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक, उसके बाद फिर कैलाश चंद जोशी आए ये 77 से 78 तक, वीरेंद्र कुमार सकलेचा एक 78 से 80, सुंदरलाल पटवा 80 से ये 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक रहे, फिर राष्ट्रपति शासन लगा, ये लगा 18 फरवरी 1980 से
8 जून 1980 तक, फिर उसके बाद अर्जुन सीख रहा है, ये 80 से पहले 85 में रहे, फिर 85 से दो बार टाइम के लिए हुए थे ये, 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक, ठीक है, एक दिन के लिए। मोतीलाल बोरा आपके 85 से 88 तक रहे, अर्जुन सिंह 88 से 89 में, ठीक है, याद रखिए। फिर आते हैं आपके मोतीलाल बोरा जी, क्या आते हैं मोतीलाल बोरा, तो ये आपके 89 में रहते हैं। फिर श्यामा चरण शुक्ल, ये 89-90 में, सुंदरलाल पटवान 90 से 52 में थे। फिर राष्ट्रपति शासन लगता है आपका 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक। फिर आपके आते हैं दिग्विजय सिंह, ये रहते हैं आपके 1993 से 2003 तक। फिर आपकी उमा भारती जी आती हैं, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, 2003 से 2004 तक रहती हैं। फिर आते हैं आपके बाबूलाल गौर, और 2004 से 2005 तक। फिर आते हैं शिवराज सिंह चौहान 2005 में, और ये रहते हैं 2018 तक, कब 2018 तक। 18 में जो नया चुनाव हुआ है, याद रखिए 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें आपके कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो अभी 2020 में कौन मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं, याद रखना कौन है, कमलनाथ कांग्रेस से मुख्यमंत्री हैं। सरकार का गठन कब हुआ 15वीं विधानसभा का, 17 दिसंबर 2018 को, ठीक है, ये याद रखिए आप, ठीक। अब बात करते हैं आगे हम लोग राज्यपाल के बारे में, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संविधानिक प्रमुख होता है। श्री पट्टाभी सीतारमैया प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। राज्यपाल श्री राम प्रकाश गुप्त का पद पर रहती हुई मृत्यु हुई थी, तो याद रखना है श्री पट्टाभी सीतारमैया प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, और राज्यपाल श्री राम प्रकाश गुप्त का उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनने का श्रेय सरला गेवाल जी को जाता है, ये 31 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही। अब राज्यपाल और उनके कार्यकाल देख लेते हैं, ठीक है, तो याद रखिए, क्या याद रखना है आपको, ये है नाम और उनका कार्यालय, ठीक है, नाम और कार्यकाल, बी पट्टाभी सीतारमैया, ये आपके 56 से 57 में रहते हैं। हरी विनायक पाटस्कर, ये 57 से 65 तक रहते हैं। केसी रेड्डी 65 से 66 तक। न्यायमूर्ति पी वी दीक्षित कार्यकारी थे, 96 में है, ठीक है, सॉरी 66 में, 1966। केसी रेड्डी आपके 66 से 71 तक। सत्यनारायण सिन्हा 71 से 77 तक। श्री एन एन वांचू 77 से 78 तक। श्री एच एम पुनाचा 78 से 80। भगवत दयाल शर्मा 80 से 81। फिर आते हैं कार्यकारी न्यायाधीश जे पी सिंह 81 में। भगवत दयाल शर्मा 81 से 83। न्यायाधीश जी पी सिंह ये 1983 से में रहे, कार्यकारी थे, ठीक है। फिर भगवत दयाल शर्मा ये आपकी 83 से 84। के एम चांडी 84 से 87। फिर आते हैं कार्यकारी न्यायाधीश एन डी ओझा, कौन न्यायाधीश एन डी ओझा ये 87 में आए। के एम चांडी ये 87 से 89। सरला गेवाल पहली महिला थी, ये 89 से 90। कुंवर महमूद अली ये हैं आपके 90 से 93। मोहम्मद सफी कुरैशी ये आपके हैं 93 में, 93 से 98 तक। फिर आपके आते हैं भाई महावीर आपके 98 से 2003 तक। स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्त ये 2003 से 2004। के एम सेठ 2004 में। श्री बलराम जाखड़ 2004 से 2009। श्री रामेश्वर ठाकुर 2009 से 2011। श्री रामनरेश यादव 11 से 16 तक। ओपी कोहली 2016 से 2018 तक। और आनंदी बेन पटेल साहब रहीं ये 18 से 19 तक। आपके 19 में आए लालजी टंडन, तो अभी 20 में कौन है, लालजी टंडन,
कौन है राज्यपाल मध्य प्रदेश के अभी करेंट में? लालजी टंडन, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। प्रशासनिक तंत्र के बारे में देखते हैं, मध्य प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र। राज्य सचिवालय, क्या राज्य सचिवालय? मध्य प्रदेश का प्रशासन का केंद्र बिंदु सचिवालय वल्लभ भवन भोपाल में स्थित है, याद रखना वल्लभ भवन कहाँ है आपका? भोपाल में, ठीक है। वस्तुतः यह मंत्रियों और सचिवों दोनों का कार्यालय भी है। फिर संचालनालय भोपाल में सतपुड़ा और विंध्याचल नामक दो भवन सचिवालय की इमारत के पास हैं, जो वस्तुतः संचालकों के लिए कार्यरत हैं। क्षेत्रीय संगठन, राज्य में 10 संभाग और 52 जिले हो गए, क्योंकि पहले 51 थे, फिर आपका निवाड़ी भी जिला बन गया तो 52 जिले हो गए। जिस जिले में अनुभाग, तहसील और उपतहसीलें सामान्यतः प्रशासन से संबंधित नियामकीय कार्य तथा राजस्व प्रबंधन से संबंधित कार्य करती हैं। संभाग आयुक्त, राज्य के 10 संभाग में आयुक्त हैं, जो कि संभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। जिले में कानून व्यवस्था से लेकर विकास कार्य तक विभिन्न जिम्मेदारियां कलेक्टर की होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य के प्रशिक्षण संस्थान। तो नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी आपकी भोपाल में है, ये पूछ लेता है कई बार। नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में है। ग्रामीण विकास संस्थान आपका जबलपुर। महिला बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान आपका बैतूल। रेंजर प्रशिक्षण केंद्र, वन राज्यिक महाविद्यालय आपका बालाघाट। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान आपका अमरकंटक में है, ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं प्रमुख प्रशासनिक भवनों के नाम। मुख्यमंत्री का निवास स्थान है श्यामला हिल्स भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन अरेरा हिल्स भोपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग, ये पर्यावास भवन अरेरा हिल्स भोपाल। राज्य सचिवालय वल्लभ भवन भोपाल। राज्य संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल। राज्य योजना आयोग विंध्याचल भवन भोपाल। नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन मध्यांचल भवन। राज्यपाल निवास राजभवन। राज्य का पुराना विधानसभा भवन मेंटो हॉल। राज्य का नवीन विधानसभा भवन है इंदिरा गांधी भवन, ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग राज्य के क्या कर राज्य के वित्त आयोग के बारे में। 73-74 संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 343 झा के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष बाद स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। मध्य प्रदेश में राज्य ने 14 जून 1994 को पहला राज्य वित्त आयोग गठित किया था, याद रखना है। मुख्यमंत्री की पदेन अध्यक्षता वाली सदन, जिसके मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, तो इसमें आपका है मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद, मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राज्य योजना मंडल, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल, इन सभी के अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग क्या लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010, क्या लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010, ठीक है। सेवा प्रदाय प्रणाली को जन केंद्रित, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त एवं आम आदमी के लिए सुलभ बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 2010 लागू किया गया था 2010 में। वर्तमान में इस अधिनियम के अंतर्गत 28 विभागों की 207 सेवाएं केंद्रित हैं। 7 अगस्त 2011 से आवेदनों के ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय एवं शहरी क्षेत्रों में 336 लोक सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर है आगे पंचायती राज।
क्या देखना है, पंचायती राज। ग्राम पंचायत के बारे में बात करते हैं। 1000 से ऊपर जनसंख्या वाले गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। जहां की जनसंख्या 1000 से ऊपर है वहां एक ग्राम पंचायत होगी, ठीक है। सदस्यों की संख्या इसमें हो गई 10 से 20। वर्तमान में 23,006 ग्राम पंचायतें हैं। मुखिया इसका सरपंच होता है। पंचायत सचिव पंचायत द्वारा नियुक्त शासकीय कर्मचारी होता है, ठीक है। सरपंच उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। मध्य प्रदेश का पहला राज्य जहां स्थानीय निकायों में राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया गया है। इसका प्रथम प्रयोग शहडोल जिले की अनूपपुर तहसील की पल्लीका पटेल को हटाने में किया गया था, ठीक है, याद रखिए। फिर है आपका जनपद पंचायत। क्या है जनपद पंचायत? यह मध्य स्तर है जिसका गठन विकास खंड पर होता है। 5000 से ऊपर आबादी वाले क्षेत्र में गठन होता है इसका। इसमें सदस्य संख्या रहती है 10 से 25। प्रदेश में वर्तमान में 313 जनपद पंचायतें हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपाध्यक्ष रूप से चुने जाते हैं इसमें। क्षेत्र का विधायक व सांसद पदेन सदस्य होता है इसका। सहकारी बैंकों का अध्यक्ष सहयोजित सदस्य होता है इसका। जनपद पंचायत का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होता है CEO, जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होता है, ठीक। फिर आती है आपकी जिला पंचायत। कौन सी जिला पंचायत? जिला पंचायत की बात करें तो 50,000 की जनसंख्या से ऊपर आबादी वाले क्षेत्र में गठन किया जाता है। इसकी सदस्य संख्या है 10 से 35 तक, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। सांसद विधायक सदस्य होते हैं इसके। जनपद अध्यक्ष भी इसका सदस्य होता है। कलेक्टर पदेन सदस्य होता है इसका। प्रदेश में वर्तमान में 52 हो गए जिला पंचायत, ठीक है। अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाते हैं। कार्यकारी अधिकारी एक IAS होता है इसका कार्य, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग नगरीय प्रशासन के बारे में। क्या है नगर प्रशासन के बारे में? मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका का गठन 1864 में जबलपुर में किया गया था। कौन सी थी वो? जबलपुर। 74वां संविधान संशोधन के प्रावधान को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर बात करते हैं नगर निगम। जनसंख्या 1,00,000 से अधिक हो वहाँ नगर निगम गठित की जाती है। वर्तमान में 18 नगर निगम हो गए। कितने? 18 नगर निगम हो गए, याद रखना है। कितने? 18 नगर निगम। बता दें आपको पहले 16 थे, लेकिन 17वां आपका भिंड और 18वां आपका दतिया हो गया, ठीक है, याद रखना है। नगर पालिकाएं आपकी 100 हैं, याद रखना है। तो कितनी हो गई? 18, 16 की जगह 18 कर लीजिए अब, ठीक है। नगर निगम परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिनकी संख्या 40 से 70 होती है। 1997 में संशोधन कर महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष व कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है, जो प्रथम नागरिक होता है। पहले अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था, व कार्यकाल 2.5 वर्ष का होता था, 2.5 वर्ष का, लेकिन अब डायरेक्ट चुना जाता है। मध्य प्रदेश में उप महापौर का पद समाप्त कर स्पीकर पद बनाया गया है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निगम आयुक्त होता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका वेतन नगर निगम कोष से दिया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नगर निगम परिषद में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। 6 विशेषज्ञ सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मेयर इन काउंसिल नगर निगम की मुख्य समिति है। इस समिति का महापौर पदेन अध्यक्ष होता है। कुल 11 सदस्य अध्यक्ष सहित होते हैं इसमें, ठीक है। इसकी सहायता के लिए 10 विभागीय इसकी सहायता के लिए 10 आपकी विभागीय समितियां भी होती हैं, जिसके अध्यक्ष मेयर एंड काउंसिल के सदस्य होते हैं। इनकी कुल सदस्य संख्या 7 होती है। अब बात करते हैं नगर निगम, नगर पालिका। क्या नगर पालिका? नगर पालिका आपकी 20,000 से अधिक 1,00,000 से कम जनसंख्या वाले
क्षेत्रों में गठित की जाती है नगर पालिका। ठीक है, याद रखिए। वर्तमान में नगर पालिका की संख्या 98 बची, कितनी? 98, 98, क्योंकि आपका जो भिंड और दतिया था वो नगर निगम बना दिए गए, इसलिए 98 बची। वार्ड सदस्य संख्या होती है 15 से 40 होती है, मनोनीत सदस्य 4 होते हैं। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी CMO होता है, जो राज्य सेवा का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। समिति के में अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यहाँ भी सदस्यों को जनता द्वारा वापस बुलाने का अधिकार है। नगर पालिका की समिति को प्रेसिडेंट इन काउंसिल कहा जाता है। 7 अन्य समितियाँ होती हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रेसिडेंट इन काउंसिल समिति के सदस्य। इनके सदस्य होते हैं 5। ठीक है, फिर बात करते हैं नगर पंचायत। क्या नगर पंचायत? अब बचा है आपका नगर पंचायत। नगर पंचायत संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है। यह 5,000 से अधिक और 20,000 से कम जनसंख्या हो, वहाँ इसका गठन किया जाता है नगर पंचायत का। ठीक है, वर्तमान में नगर पंचायतों की संख्या है आपकी 264। कितनी? 264। दो विशेषज्ञ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बाकी सदस्य सांसद और विधायक आदि होते हैं। इसका अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसकी 5 उप समितियाँ होती हैं, जिसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य होते हैं। इनमें प्रत्येक के लिए 3-3 सदस्य होते हैं। इसका मुख्य कार्यपालन अधिकारी CMO होता है, जो तृतीय श्रेणी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। समिति में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होते हैं। याद रखिए, अभी 20 जनवरी में खबर चल रही थी अब इनके इनडायरेक्ट चुनाव होंगे। अब देखिए, अभी हुए हैं नहीं चुनाव फरवरी तक, उसके बाद अगर डायरेक्ट चुनाव होते हैं इनडायरेक्ट, तो याद रखिए इन्हें बदल लेना। ठीक है, अपडेट हो जाना इससे। आगे बात करते हैं, नगर पंचायत की समिति को प्रेसिडेंट इन काउंसिल कहते हैं। मध्य प्रदेश में नगर निगम है आपके बुरहानपुर, मुड़वानी, रीवा, रतलाम, इंदौर, सिंगरौली, देवास, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सतना खंडवा, भोपाल, मुरैना, और 17वां है आपका भिंड और 18वां है दतिया। ठीक है, 18 है टोटल। अब बात करते हैं न्यायिक प्रशासन के बारे में। न्यायिक प्रशासन मध्य प्रदेश का, न्यायिक प्रशासन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश शासन की स्थापना के साथ ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 की उपधारा 1 के तहत मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय को नागपुर से जबलपुर प्रतिस्थापित किया गया। पहले नागपुर में था, लेकिन इसे अब जबलपुर में ले आए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर। इसकी 2 खंडपीठ हैं, आगे बताएंगे हम। ठीक है, याद रखिए, इंदौर और ग्वालियर। इस तरह मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश राज्य के गठन के पश्चात स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके M. हिदायतुल्ला बनाए गए। ठीक है, याद रखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत राज्य में स्थापित सभी अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण करने की शक्ति उच्च न्यायालय की होती है। राज्य में जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय के अतिरिक्त दंड न्यायालय के रूप में सेशन न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायालय, द्वितीय श्रेणी के न्यायालय, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में उद्भूत होने वाले साधारण स्वरूप के राजस्व, सिविल तथा दंडिक मामलों की आपसी सुलह और समझौते के से निराकरण किए जाने के उद्देश्य से ग्राम न्यायालय का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से 223 जनपदों में 1580 ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लक्ष्य के साथ नीमच जिले के ग्राम झातला में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2001 में की गई। प्रदेश में इसकी संख्या 85 के करीब है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, क्या कि
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर तथा खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं उच्च मुख्य पीठ जबलपुर के बारे में। इसके अंतर्गत आता है अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, डिंडोरी, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सीहोर, टीकमगढ़ और उमरिया और निवाड़ी प्लस निवाड़ी, ठीक है, याद रखना। खंडपीठ इंदौर के अंतर्गत आता है बड़वानी, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, रतलाम, राजगढ़, साजापुर, उज्जैन, खरगोन। और ग्वालियर पीठ के अंतर्गत आता है अशोकनगर, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी, विदिशा। 2015 में उच्च न्यायालय की नई सर्किट खंडपीठ भोपाल में स्थापित किया जाना प्रस्तावित था। प्रदेश में 8 विशेष न्यायालय शुरू किए गए भ्रष्टाचारियों को जल्द सजा देने और उनकी संपत्ति राजसात करने के लिए। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मध्य प्रदेश विशेष अधिनियम 2011 के तहत इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में दो दो विशेष न्यायालय की शुरुआत की गई है, याद रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश के ने राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को 3 मुख्य न्यायाधीश दिए। इसमें मुख्य न्यायाधीश RC लाहोटी और श्रीमती हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति श्री JS वर्मा, ठीक है, शामिल हैं। बात करते हैं पुलिस प्रशासन के बारे में। पुलिस प्रशासन, पुलिस महानिदेशक 1982 में सृजित किया गया है। यह राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। पहले पुलिस महानिदेशक थे श्री BP दुबे। पुलिस अधीक्षक की बात करें SP की, तो प्रत्येक जिले का प्रमुख पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक होता है SP। नगर सेना, राज्य में नगर सेना पैरा पुलिस फोर्सेज के रूप में कार्यरत है। इसकी सेवाएं ट्रैफिक, सार्वजनिक संपत्ति, उच्च अधिकारियों की सुरक्षा ली जाती है। होमगार्ड, राज्य में होमगार्ड का व्यवस्थित संगठन है और इसके अपने महानिदेशक और महानिरीक्षक होते हैं। बात करते हैं राज्य पुलिस प्रशासन के बारे में। राज्य पुलिस प्रशासन के बारे में, ये आपके रेंज हो गए IG और जिले। इंदौर रेंज, इसमें शामिल हैं इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर। उज्जैन रेंज में उज्जैन, देवास, रतलाम, साजापुर, नीमच, मंदसौर, आगर। होशंगाबाद रेंज में होशंगाबाद, हरदा, रायसेन। भोपाल रेंज में भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा। ग्वालियर रेंज में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। जबलपुर रेंज में जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर। सागर रेंज में सागर, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी। रीवा में रीवा, सीधी, कटनी, सतना, सिंगरौली। बालाघाट में बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। चंबल रेंज में आपका मुरैना, शिवपुर, भिंड, दतिया। शहडोल में शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर है, ठीक है। अब बात करते हैं रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस की पृथक संरचना है। इसका भी एक महानिरीक्षक होता है। इसके अधीन 3 सेक्शन हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। भोपाल सेक्शन के अंतर्गत सर्वाधिक 8 थाने हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस रेंज की संख्या 11 है, ठीक है। पुलिस रेंज की संख्या कितनी है? 11 है। पुलिस कंट्रोल रूम आपके 53 हैं, ठीक है। पुलिस थानों की संख्या अभी 2020 तक, जनवरी तक, ठीक है, 2019 दिसंबर लास्ट तक थे आपके पुलिस थाने 1099, ठीक है, 1099। पुलिस चौकियों की संख्या थी आपकी 562 है और पुलिस उपसंभाग हैं 179। पुलिस थाने आपके हो गए 52, ठीक है। पुलिस जिलों की संख्या तो हैं 52 एक, ठीक है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में पुलिस की उपस्थिति का अनुपात 27 है। शासकीय रेल पुलिस के पहले संभागीय मुख्यालय की स्थापना इंदौर में की गई थी। जून 2012 में पुलिस मुख्यालय पर इस मुख्यालय स्तर पर महिला अपराध शाखा का गठन प्रत्येक जिले में राजपत्रित अधिकारी विभाग से किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा 1 जनवरी 2013 से राज्य स्तरीय महिला कॉल सेंटर 1090 प्रारंभ किया गया। क्या है? 1090 प्रारंभ किया गया, ठीक है, याद रखना है आपको।
आगे बात करते हैं, प्रदेश में 9 महिला थाने हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर DIG ऑफिस देश का पहला ISO 9001 अनुपाते 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला DIG ऑफिस हो गया है। ठीक है यादव, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मध्य प्रदेश में भोपाल में उप पुलिस अधीक्षक की ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संस्थान खोलने की मंजूरी केंद्र सरकार ने प्रदान की। प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, दतिया, पन्ना, मुरैना, हरिजन पुलिस थानों, पुलिस कल्याण थानों की स्थापना की गई है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में विशेष सशक्त बल एक्ट 1968 में लागू हुआ था। ठीक है, प्रत्येक पुलिस रेंज का मुख्य अधिकारी उप महानिदेशक होता है, जिसे DIG कहा जाता है। प्रदेश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार रोकने हेतु मध्य प्रदेश द्वारा हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई। 9 आरक्षक एवं प्लाटून कमांडरों को 6वीं वाहिनी जबलपुर में प्रशिक्षण दिया जाता है। पुलिस महाविद्यालय सागर की का प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक होता है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक होता है, गृह सचिव के अधीन काम करता है। यहाँ पुलिस मुख्यालय भोपाल में है। 1960 में भोपाल में CID मुख्यालय की स्थापना प्रदेश में विशिष्ट अपराधों की प्रवृत्तियों का अध्ययन अनुसंधान के लिए की गई। प्रदेश में 15 अप्रैल 1962 को अपराध एवं अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए भोपाल में सशक्त कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं हम लोग, प्रदेश में विभिन्न गंभीर मामलों को सुलझाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना सागर में की गई थी आपकी। प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण हेतु पुलिस महाविद्यालय की स्थापना सागर में की गई, जिसका नाम है जवाहर लाल नेहरू पुलिस अकादमी। प्रदेश में पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान आपका महाविद्यालय इंदौर में है। वायरलेस के कार्य के बारे में पुलिसकर्मियों की जानकारी देने के लिए स्थापित किया गया। रीवा में स्थापित पुलिस मोटर वर्कशॉप प्रशिक्षणशाला के द्वारा पुलिस के वाहन कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। भोपाल में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्था है। मध्य प्रदेश भूतपूर्व मध्य भारत की प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री KF रुस्तम जी हैं। ठीक है, KM रुस्तम जी हैं। मध्य प्रदेश के गठन के समय 1956 में 5 पुलिस रेंज स्थापित की गई, जो ग्वालियर, इंदौर, रीवा, रायपुर और जबलपुर में थी। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1956 में BG घाटी को प्रथम पुलिस महानिदेशक बनाया गया था, जो कि उस समय का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था। लेकिन सन 1982 में पुलिस महानिदेशक के स्थान पर पुलिस का सबसे वरिष्ठ अधिकारी महानिदेशक कर दिया गया। 1894 के कारागार अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कारागार नियम 1929 बनाया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 फरवरी 1964 को भोपाल जिला कारागार में बंदी हित दिवस का आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश की कारागार व्यवस्था की समीक्षा, उसमें सुधार के लिए 26 जनवरी 1968 को जेल सुधार समिति गठित की गई। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिजेश्वर सिंह, याद रखना है। मध्य प्रदेश में सन 1995 से कारागारों में बंदियों के लिए योग शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। मध्य प्रदेश में पहली खुली जेल की स्थापना नवजीवन शिविर के नाम से नवंबर 1973 में तत्कालीन गुना जिले के वर्तमान में अशोकनगर के मुंगावली में की गई थी, याद रखना है। मुंगावली शिविर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्वर्गीय जय विकास नारायण के प्रयासों से चंबल के भीड़ों के आत्मसमर्पण करने वाले डकैतों को पुनर्वास करना था। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में महिला जेल स्थापित है। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कॉलोनी आपकी होशंगाबाद में है, 2010 में स्थापित हुई है। प्रदेश में नरसिंहपुर व जबलपुर में किशोर बंदीगृह स्थापित किए गए हैं। कहाँ? नरसिंहपुर, जबलपुर। हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना पुलिस मुख्यालय भोपाल में की गई। मध्य प्रदेश में सेवा संवर्ग की प्रथम महिला IPS अधिकारी थी आशा गोपालन। ठीक है,
प्रथम महिला पुलिस थाना आपका भोपाल में, प्रथम आईएसओ प्रमाण पत्र प्रमाणित थाना आपका देवास है। मध्य प्रदेश पुलिस नेट सुविधा को पोल नेट कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अब बात करें जेलों की विभागीय संरचना। केंद्रीय जेल, केंद्रीय जेल में एक प्रथम श्रेणी अधिकारी जेल अधीक्षक होता है। इसके अलावा विधि अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी, जेलर, उप जेलर होते हैं। राज्य में 11 केंद्रीय जेल हैं, प्रत्येक में विभागीय जेल अधीक्षक पदस्थ हैं। जिला जेल की बात करें तो मध्य प्रदेश में 39 जिला जेल हैं। राज्य में 13 जिला जेलों पर विभागीय जेल अधीक्षक है, जबकि शेष जेलों में से जेल अधीक्षक का अतिरिक्त विभाग जिला प्रशासन के अधिकारी को दिया जाता है। उप जेल की बात करें तो 72 उप जेल हैं। यहाँ सभी जेलों पर विभागीय जेल अधीक्षक के पद स्वीकृत नहीं है। इस स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को पदेन जेल अधीक्षक बनाया गया। अब बात करें पुलिस प्रमुख पुलिस संस्थानों के बारे में। राज्य पुलिस हेडक्वार्टर आपका भोपाल है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी आपकी सागर में है। मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज आपका सागर में है। सशक्त पुलिस प्रशिक्षण केंद्र आपका इंदौर। पुलिस मोटर वर्कशॉप आपका रीवा। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल। स्वर्ण प्रशिक्षण केंद्र आपका भदभदा भोपाल। प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आपकी सागर। राष्ट्रीय अभिशासन नगरीय प्रबंधन संस्थान भोपाल में प्रस्तावित है। पुलिस प्रशिक्षण शाला आपकी ग्वालियर उमरिया पचमढ़ी इंदौर रीवा में है, याद रखना है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बचे हुए उन्हें भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 27 अक्टूबर 1956 को किया गया। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे एच एस कामत थे, जबकि नरोना दूसरे मुख्य सचिव थे। मध्य प्रदेश की पहली आईएएस तथा पहली मुख्य सचिव बनने वाली महिला थी श्रीमती निर्मला बुच। मध्य प्रदेश में प्रथम विरोधी दल के नेता विश्वनाथ तामस्कर थे, जबकि पहली विपक्ष की महिला नेता थी जमुना देवी, ठीक है। मध्य प्रदेश में पहली महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजिनी सक्सेना रही हैं। मध्य प्रदेश के गठन के सर्वप्रथम 1962 में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। पांडे समिति की सिफारिश पर, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान था, 1965 में इसके लिए चुनाव कराए गए, जबकि जनपद के लिए 1971 में, ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश में 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायत, 5000 की आबादी पर जनपद पंचायत और 50,000 की आबादी पर जिला पंचायत गठन किया जाता है। अनुच्छेद 243H के अनुसार पंचायतों को कर लगाने का अधिकार उस राज्य का विधानमंडल दे सकता है। मध्य प्रदेश में यह प्रावधान है। जनपद पंचायत का क्षेत्र विकासखंड है, ठीक है। आगे बात करें, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ग्राम स्वराज की स्थापना की है। 26 जनवरी 2001 से संपूर्ण प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को लागू किया गया। मध्य प्रदेश के ग्राम स्वराज की इस नई व्यवस्था में ग्राम पंचायतों की सभा को प्रतिनिधि इकाई माना जाता है। इसमें प्रत्येक ग्राम में एक सभा होती है। पंचायती राज अधिनियम 1993 में निर्वाचन के लिए यह प्रावधान है कि केवल ग्राम पंचायत के सरपंच के मामले में निर्वाचन प्रक्रिया का जिम्मा राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा, अन्यथा नहीं। 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के अनुसार 243 झा में प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज प्रावधान लागू करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 29 जनवरी 1994 को श्री लोहानी की अध्यक्षता में हुआ था। इस आयोग ने 15 अप्रैल 1994 को पंचायतों की चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की थी। मध्य प्रदेश ने सन 1961 में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 पारित किया। इस अधिनियम के पास होने के पश्चात राज्य में पूर्व के सारे अधिनियम समाप्त, नगरीय अधिनियम समाप्त हो गए। अब बात करते हैं आगे, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुपालन
करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक प्रस्तुत किया था, ठीक है, याद रखना है। विंध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश का ही अंग है, में 1907 में दतिया में नगर पालिका की स्थापना की गई थी, लेकिन इससे पूर्व 1864 में जबलपुर महाकौशल क्षेत्र में मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका स्थापित की जा चुकी थी, ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश सरकार ने 2002 को इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन के महापौरों को कैबिनेट मंत्री का तथा अन्य 9 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन ने ग्रामों की समस्याओं को त्वरित व स्थानीय स्तर पर निराकरण करने के लिए 8 अगस्त 2004 को ग्रामीण सचिवालय की व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश में नगर के महापौर का चुनाव नगर की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जो 5 वर्ष के लिए होता है। मध्य प्रदेश के जिलाधीश जिला जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 318 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का मुख्यालय आपका इंदौर में है। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लोक आयुक्त नामक संस्था की स्थापना की गई, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। मध्य प्रदेश विधानसभा 1981 में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिनियम के रूप में लागू किया गया, जबकि पहली बार 1975 में यह विधेयक पारित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 316 के अंतर्गत के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने पद से 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मध्य प्रदेश विधानमंडल में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। दांतवाला तथा हनुमंत राव समिति जिला नियोजन से संबंधित थी, याद रखना है। अधिसूचित समिति छावनी समिति नगरीय निकायों से संबंधित थी। रफीक जकारिया समिति का संबंध नगरीय निकाय से था। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने स्थानीय नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की है। राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना मार्च 1964 में की गई। मध्य प्रदेश की सभी पंचायतें कंप्यूटरीकृत होंगी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कार्यक्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से आम लोगों को मिशन मोड प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। जनोपयोगी 23 सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से प्रदेश की सभी 23012 ग्राम पंचायतों के कंप्यूटर की कार्रवाई शुरू की गई। सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल राज्य शासन द्वारा भोपाल में स्कूल की स्थापना 2008 में की गई थी। तो ये था आपका राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य 19वां चैप्टर। आगे हम लोग बात करेंगे जनजातीय परिदृश्य के बारे में, ठीक है, याद रखिए।